ओम शांति। 31 अगस्त 2020, साकार मुरली। सबसे पहले आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाप बच्चों को समझाते हैं कि रोज अपना चार्ट लिखो, नोट करो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई से लड़ाई झगड़ा तो नहीं, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला, आंखों ने धोखा तो नहीं दिया, पाप तो नहीं किया। आंखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए। आंखें अनेक प्रकार से धोखा देती हैं। जरा भी बिगर पूछे चीज उठाकर खाया तो वह भी पाप बन जाता है। बाबा कहते हैं, विकर्म जो किए हैं सो लिखो। बाबा को लिखकर देने से बोझा हल्का हो जाएगा। बच्चे चार्ट नहीं लिखते हैं तो जरूर कुछ खामियां हैं जो बाबा से छिपाते हैं। सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको ही समझता हूँ जो चार्ट लिखते हैं। फिर बाबा ने कहा, इस समय यह है दुख धाम। विषय वितरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, या भी नहीं समझते कि विकार में जाना पाप है। बाप कहते हैं, बच्चे, कोई को देखने से विकार की दृष्टि जाती है तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे, वह नर से नारायण बन नहीं सकेंगे। जब इन आँखों पर जीत पा लेंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। निर्विकारी के आगे विकारी मनुष्या माथा टेकते हैं, कहते हैं या बड़ा स्वच्छ धर्मात्मा मनुष्य है, सतयुग में तो मलेच्छ होते नहीं, है ही पवित्र दुनिया। आगे बाबा ने कहा, किसको दुख देते विकार में जाते हैं या बुरी दृष्टि रखते हैं तो यह भी पाप है। दृष्टि बदल जाए बड़ी मेहनत है, दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। तुम जानते हो, बाबा हमको सुख की दुनिया में ले जाते हैं। वहाँ पद ऊंच पाना है तो पवित्र बनना है, मेहनत करनी है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो और पवित्र बनो। कोई को भी दुख ना दो। कोई में काम का भूत आया, कोई में क्रोध आया, हाथ चलाया। बाप कहेंगे, या तो दुख देने वाली पाप आत्मा है। पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? या तो नाम बदनाम करते हैं। सब क्या कहेंगे? कहते हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बनते हैं, वह फिर ऐसे काम करते हैं क्या? इसलिए बाबा कहते हैं, रोज रात में अपने को देखो। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख ना दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। प्रश्न, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? उत्तर, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा, उनकी आँखें क्रिमिनल नहीं होंगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए हैं वो बाप को लिखकर देना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना है, सपूत बनकर रहना है। नंबर 2, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है, आंखें धोखा ना दे इसकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने हैं, काम क्रोध के वश हो, कोई पाप नहीं करने हैं। आज का वरदान है, बीती को चिंतन में ना लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार है वरदान का, अभी तक जो कुछ हुआ
उसे फुल स्टॉप लगाओ। बीती को चिंतन में ना लाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की दो घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसलिए समय के महत्व को जान अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। स्लोगन है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। ओम शांति।